ओम शांति। आज है 26 नवंबर 2024 की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने तीन कर्तव्य सदा याद रहे, स्थापना, विनाश और पालना। आज का प्रश्न है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर, नंबर वन, देह अभिमान वाले अंदर से जलस होते हैं। जलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते, प्यार से सेवा नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। दूसरा उत्तर, बेपरवाह रहते हैं, माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है, पुरुषार्थ करते करते फा हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। तीसरा कारण, देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं होती, दिल साफ न होने के कारण बाप के दिल पर नहीं चढ़ते। चौथा नुकसान होता है, जो मूड ऑफ कर लेते हैं उनका चेहरा ही बदल जाता है। ओम शांति। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और कुछ भी याद करते आते हो? बच्चों को स्थापना, पालना और विनाश तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलते हैं ना। जैसे कोई बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो उनको मालूम है कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, बैरिस्टरी की पालना भी करेंगे ना। जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे रहेगी। तुम जानते हो, हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है। योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वह पावन बनेगी। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे, यह बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तहानों में सबसे बड़ा इम्तहान व सभी पढ़ाइयों से ऊंच पढ़ाई यह है। पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की है ना, वह तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, और वह पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए है। पढ़कर फिर सब मनुष्य वह यहाँ ही फल पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं, अभी संगम युग है। नई दुनिया में ही हमको राज्य करना है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में यह याद करना है, बाबा की याद से ही हम पवित्र बनेंगे। फिर भी यह याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे, तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है। तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनते हैं ना। ताकत तो हर बात में चाहिए, यह है ईश्वरीय माइट। इनको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी माइट, यह है रूहानी माइट। बाप कल्प कल्प कहते हैं, हे बच्चों, मामे कम याद करो। सर्वशक्तिमान बाप को याद करो, वह तो एक ही बाप है। उनको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। यह बहुत अच्छी बातें हैं धारण करने की, जिनको यह निश्चय ही नहीं है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में यह बातें नहीं बैठेंगी। जो सतोप्रधान दुनिया में आए थे वही अब तमोप्रधान में आए हैं, वही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझते हैं तो पूछना चाहिए, पूरी रीति समझे तो बाबा को भी याद करें। समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकते। यह तो सीधी बात है, हम आत्माएं जो सतोप्रधान थी वही फिर तमोप्रधान बनी है। जिनको ये संशय होगा कि कैसे समझे हम 84 जन्म लेते हैं, वह बाबा से कल्प पहले भी वर्षा लिया है, वह तो पढ़ाई में पूरा ध्यान ही नहीं देंगे। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, कल्प पहले भी नहीं समझा था इसलिए याद नहीं कर सकेंगे। यह है ही भविष्य के लिए पढ़ाई।
नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है कल्प कल्प नहीं पढ़ते थे अथवा थोड़ी मार्क्स से पास हुए थे। स्कूल में बहुत फेल भी हो जाते हैं, पास भी नंबरवार ही होते हैं। यह भी पढ़ाई है, इसमें नंबरवार बच्चे पास होंगे। जो होशियार है वह तो पढ़कर फिर पढ़ाते रहेंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम भी सर्वेंट हैं। हर एक भाई बहन का कल्याण करना है। बाबा हमारा कल्याण करता है, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। सबको यह भी समझाना है बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। जितना जितना जो बहुतों का पैगाम बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे। उनको ही महारथी अथवा घोड़ेसवार कहा जाता है। प्यादे फिर प्रजा में चले जाते हैं। इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन कौन सा साहूकार बन सकेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो, सर्विस के लिए ही जीवन दी में रहना चाहिए। सर्विस करोगे तो पद भी ऐसे पाओगे, उनको किसी की परवाह नहीं रहती। मनुष्य अपने हाथ पाँव वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता, अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं। ऐसे क्यों बंधन में मैं फंसूं? क्यों ना बाप से अमृत लेकर अमृत का ही दान करूं? मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़े ही हूँ जो कोई हमको बांधे। शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया, रड़िया मारी, हाय हाय कर बैठ गए। तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है, यहाँ या यह काम बैठ करने हैं। वह मस्ती चढ़ जाती है जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता है। हम मौला के मस्ताने हैं, तुम जानते हो मौला से हमको क्या क्या प्राप्त हो रहा है। मौला ही हमको पढ़ा रहे हैं ना। नाम तो उनके बहुत है परंतु कोई कोई नाम बहुत मीठे हैं। अभी हम मौलाई मस्त बने हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं, बुद्धि भी समझती है बरोबर। हम बाप को याद करते करते सतोप्रधान बन जाएंगे और विश्व के मालिक भी बनेंगे। यही तात लगी हुई है। बाप को याद करते हर दम बाबा को याद करना चाहिए। सामने बैठे हो ना, यहाँ से बाहर निकले और भूल जाएंगे। यहाँ जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर में नहीं रहता, भूल जाते हैं। तुमको भूलना नहीं चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो यहाँ बैठे भी भूल जाते हैं। बच्चों के लिए म्यूजियम में और गांव-गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जितना भी समय मिला है बाबा तो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, परंतु ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकती। बाप तो कहते ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चीज़ तैयार हो जाए। यह भी बाप समझाते रहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों को। माया नाक और कान से अच्छी रीति पकड़ती है। जो अपने को महावीर समझते हैं उन्हों को ही माया के बहुत तूफान आते हैं, फिर वह किसकी भी परवाह नहीं करते, छिपा लेते हैं। आंतरिक दिल सच्ची नहीं है, सच्ची दिल वाला ही स्कॉलरशिप पाते हैं। शैतानी दिल चल ना सके, शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। सबका शिव बाबा से काम है, यह तो तुम साक्षात्कार करते हो। ब्रह्मा को भी बनाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करे तब ऐसा बने। बाबा समझते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। जैसे चूहा काटता है तो मालूम भी नहीं पड़ता, माया भी ऐसी मस्त चूही है। महारथियों को ही खबरदार रहना चाहिए। वह खुद समझते नहीं है कि हमको माया ने गिरा दिया है, लून पानी बना दिया है। समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाप की सर्विस नहीं कर सकेंगे, अंदर ही जलते रहेंगे। देह अभिमान है तब जलते हैं ना।
वह अवस्था तो है नहीं, याद का जौहर भरता नहीं है, इसलिए बहुत खबरदार रहना चाहिए। माया बड़ी तीखी है, जबकि तुम युद्ध के मैदान पर हो तो माया भी छोड़ती नहीं, आधा पौना तो ख़त्म कर देती है, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़ाई बंद कर घर में बैठ जाते हैं। अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर भी माया का वार होता है, समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते हैं, थोड़ी बात में झट लून पानी हो पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, देह अभिमान के कारण ही लून पानी हो जाते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं। बाबा कहेंगे यह भी ड्रामा है, जो कुछ भी देखते हैं कल्प कल्प पहले मिसल ड्रामा चलता आया है। नीचे ऊपर अवस्था होती रहेगी, कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी अच्छी बहुत सर्विस कर खुशखबरी लिखते हैं, नीचे ऊपर होता रहता है, कभी हार कभी जीत। पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती है, अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाए, कई मर भी जाए, इसलिए जहाँ भी रहो बाबा को याद करते रहो और सर्विस पर रहो। तुम निमित्त बने हो सर्विस के लिए, तुम लड़ाई के मैदान में हो ना, जो बाहर वाले घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं यहाँ वालों से भी बहुत तीखे जा सकते हैं। माया के साथ पूरी युद्ध चलती रहती है, सेकंड बाय सेकंड तुम्हारा कल्प पहले मिसल पाठ चलता आया है। तुम कहेंगे इतना समय सेकंड पास हो गया, क्या क्या हुआ है? वह बुद्धि में है, सारा ज्ञान बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है, इस दादा में भी आना चाहिए। बाबा बोलते तो है, जरूर दादा भी बोलते होंगे। तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छे दिल से साफ है, दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ते हैं, उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं रहता, सदैव हर्षित रहते हैं, उनका मूड भी कभी फिरेगा नहीं। यहाँ तो बहुतों की मूड फिर जाती है, बात मत पूछो। इस समय सभी कहते भी हैं हम पतित हैं, अभी पतित पावन बाबा को बुलाया है कि आकर पावन बनाओ। बाबा कहते हैं बच्चों मुझे याद करते हो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो, मेरी श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर न चलने वालों का कपड़ा साफ नहीं होता, आत्मा शुद्ध ही नहीं होती। बाबा तो दिन रात इस पर ही जोर देते हैं, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान में आने से ही तुम गुटखा खाते हो, जितना जितना ऊपर चढ़ते हो खुशनुमा होते जाते हो और हर्षित मुख रहते हैं। बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु अंदरूनी हालत तो देखो गल रहे हैं, देह अभिमान की आग जैसे गला रही है, समझते नहीं है ये बीमारी फिर कहाँ से आई। बाबा कहते हैं देह अभिमान से ये बीमारी आती है, देही अभिमानी को कभी भी बीमारी नहीं लगेगी, बहुत अंदर में जलते रहते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। पूछते हैं ये रोग क्यों लगा है? बाबा कहते हैं यह देह अभिमान की बीमारी ऐसी है, बात मत पूछो। कोई को भी यह बीमारी लगती है तो एकदम चीचड़ होकर लगती है, चिपक जाती है, छोड़ती ही नहीं है। श्रीमत पर न चल, अपने देह अभिमान में चलते हैं तो चोट बड़े जोर से लगती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते रहते हैं, माया कैसे एकदम नाक से पकड़ गिरा देती है, बुद्धि बिल्कुल मार डालती है, संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। भगवान को बुलाते हैं कि आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, और फिर उनके ही भी विरुद्ध हो जाते हैं तो क्या गति होगी, एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बच्चों को यहाँ बैठे यह खुशी रहनी चाहिए, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट, ये है। बाबा कहते हैं इनसे और कोई पढ़ाई ऊंच है क्या? द बेस्ट तो यही है, 21 जन्मों का फल देती है, तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए। कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते, माया नाक कान एकदम काट लेती है,
बाबा खुद कहते हैं, आधा कल्प इनका ही राज्य चलता है, तो ऐसा पकड़ लेती है जो बात मत पूछो। इसलिए बच्चे बहुत खबरदार रहो, एक दो को सावधान करते रहो, शिव बाबा को याद कर तो करो, नहीं तो माया नाक कान काट लेगी, फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। बहुत समझाते भी हैं कि हम लक्ष्मी नारायण का पद पाए इम्पॉसिबल है, थक कर फा हो जाते हैं, माया से हार खाकर एकदम कीचड़े में जाकर पड़ जाते हैं। देखो, हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने नाक से पकड़ा है। याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भरी हुई है, कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। दुकान में ग्राहक आते रहते हैं, कमाई होती रहती है, तो भी कभी उनको थकावट नहीं होंगी, भूखे नहीं मरेंगे, बड़ी खुशी में रहते हैं। तुमको तो अथाह बेशुमार धन मिलता है, तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। देखना चाहिए हमारी चलन दैवी है या आसुरी है, समय बहुत थोड़ा है, अकाले मृत्यु की भी जैसे रेस है, एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते हैं, तमो प्रधान बुद्धि होते जाते हैं, बरसात जोर से पड़ेगी उनको भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे, मौत सामने आया कि आया, समझते हैं भी कि एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ जाएगी, ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देंगे तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है, माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है, दिल में कभी भी शैतानी ख्याल न आए। बाप द्वारा जो बेशुमार धन ज्ञान का मिलता है उसकी खुशी में रहना है, इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। आज का मधुर वरदान बाप दादा का, सदा अलर्ट रहकर सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। स्पष्टीकरण है, अब हम सभी बच्चों में यह शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें, सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाए तो उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सतोप्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो, मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो, मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। ये जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। आज का स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सूद भूलने वाले सच्चे गोप गोपिया है। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।